देखिए, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं उनके लिए। यदि वो माल का सेवन नहीं करते हैं तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर सच में उनके दिल में कोई छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो उन्हें किस बात को लेकर एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ निडरता होती है वहाँ पर भय या डर के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो किस बात को लेकर उन्हें चिंता हो रही है यदि वो माल नहीं लेती हैं? और अगर लेती हैं तो वो खुलकर इस बात को कबूल करें, स्वीकार करें और बताएं कि इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं। देखिए, बॉलीवुड तभी स्वच्छ होगा जब ये सब क्लाइंट्स, पेडलर्स, किंगपिन्स, सप्लायर्स, डीलर्स, सब जितनी जानकारी इनके पास है उस जानकारी को वो शेयर करें एनसीबी के साथ, बताएं एनसीबी को कि वो उनके सर्कल में कितने लोग इस नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं। ऐसा जब ये इस तरह की बातें बताएंगे एनसीबी को, तब जाकर एनसीबी जो है वो बड़ी खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी, जो हमारे इंडस्ट्री में बड़े खिलाड़ी हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, चरस, गांजा, एलएसडी, एक्सटेसी, मैजिकल मशरूम्स, एमडीएमए, और भी कई तरह के ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब एनसीबी को सपोर्ट करें, एनसीबी के साथ कोऑपरेट करें। हाल ही के दिनों में आपने, जैसा कि हमने देखा, बहुत सारा खुलासा किया आपने। आप आईपीएल में गई, वहाँ पर जो कुछ भी देखा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ बता सके कि आपने किसे किसे देखा, और वो आपने तो ये दावा किया कि ये ड्रग्स लेते हो, मैंने देखा, तो आप अपना अगर कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें। देखिए, मुझे अली मुरानी, जो सिनेयू के फाउंडर हैं और शाहरुख खान के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया केकेआर का मैच देखने के लिए। मैं कोलकाता गई, मैच देखा ईडन स्टेडियम पर, और उस रात केकेआर की जीत हुई। जीत के बाद एक पार्टी रखी गई थी सेलिब्रेशन के लिए, एंड उस पार्टी में मैंने देखा केकेआर प्लेयर्स को और उनकी गर्लफ्रेंड्स को, एंड शाहरुख खान और शाहरुख खान के करीबी दोस्त, उन सब की बीवियाँ, सब पार्टी कर रहे थे, एंड एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना था। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि धूम्रपान किया जा रहा था, धूम्रपान के अलावा और भी कई पदार्थों का सेवन लिया जा रहा था, एंड जोश बहुत बहुत हाई था, एंड हम सब पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पहला लाइव मैच एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहली दफ़ा क्रिकेट का लाइव मैच देखा, और लाइव मैच देखने के बाद क्रिकेटर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, एंड सबके पास एक फ़ैन गर्ल की तरफ जाकर मैं हेलो हाय कह रही थी, एंड मैंने देखा कि सब जोश में अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और मुझे याद है हम सब ने एक ट्रेन बनाकर हम डांस कर रहे थे, एंड डांस करते करते क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ उतारी, उसकी कमीज़ लेकर मैं हवा में उस कमीज़ को ऐसे घुमा घुमा के डांस कर रही थी, एंड डांस करते करते जब मैं थकी और पसीने छूटने लगे, तब मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला तब जो देखा मैंने वो बहुत ही चौंकना कर गया मुझको। मैं सोच में पड़ गई, मुझे लगा क्या मैं किसी गलत जगह पर पहुंची, फिर लगा नहीं, जगह तो सही है, वॉशरूम ही है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर स्टार वाइफ्स को शीशे के सामने खड़े होकर वाइट पाउडर, जिसे हम कोकेन कहते हैं, स्नॉट करते हुए देखा उस वाइट पाउडर को, एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अचानक ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए तो समझने वाली बात है कि आप ज़रा सा शॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था मेरा, एंड जैसे तैसे उनको स्माइल देते हुए, एक्नॉलेज करते हुए मैं
वॉशरूम की तरफ गई और अपना काम ख़त्म करके मैं वहाँ से जल्दी निकली, क्योंकि मुझे उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना था. एंड बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सब अपने अपने जोन में चिल कर रहे थे, एक अलग ही माहौल था. एंड सबको एक्नॉलेज करते हुए, शाहरुख खान, उनके फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, सबको एक्नॉलेज करते हुए मैं वहाँ से निकल गई. तो तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब बॉलीवुड में किस तरह की पार्टीज़ होती हैं और सेलिब्रेशन के लिए किन पदार्थों का सेवन किया जाता है. आमतौर पर बॉलीवुड में जब जब कोई टॉप होस्ट, टॉप पार्टी होस्ट पार्टी रखता है एंड बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बुलाता है अपने घरों पर, वो ज़रूर नशीली पदार्थों को सर्व करता है. क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जब तक आप नशीली पदार्थों का सेवन ना करें तब तक किक नहीं चढ़ता है या जोश नहीं चढ़ता है. और पार्टी करने के लिए किक और जोश, इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त ये होता है योगदान. यदि जोश ना चढ़ाएं तो मेहमान पार्टी कैसे करें, ये सोचते हैं. जबकि मुझे बिल्कुल इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, थैंकफुली. ये बात मैं स्वीकार करना चाहूँगी कि मैं पहले एक चेन स्मोकर हुआ करती थी. मैंने 15, 16 या शायद 17 साल लगातार चेन स्मोकिंग की. उसके बाद 2017 में एक ऐसा मोड़ आया अक्टूबर के महीने में, जब मैंने स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया. तब से लेकर आज तक मैंने कभी सिगरेट को छुआ नहीं. और मैं पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करती हूँ. जो स्मोक करते हैं उनके आसपास नहीं बैठती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये कहा जा सकता है कि मेरा फिर से जन्म हुआ है. अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी को इम्प्योर करूं. एंड मार्च 2020 में मैंने सोशल ड्रिंकिंग करना गिव अप किया. तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस कीचड़ में रहकर मैं खुद को इस कीचड़ से दूर रख रही हूं. एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जो धूम्रपान करना पसंद नहीं करते, शराब पीना पसंद नहीं करते, जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करते हैं, व्यायाम करना पसंद करते हैं, वर्कआउट करना, चाहे वो योगा हो, जिम हो, मेडिटेशन हो. एंड मुझे लगता है कि ये जो मैसेज जा रहा है बॉलीवुड में, जो ड्रग कार्टल या ड्रग सिंडिकेट की तरफ से मैसेज जा रहा है, ये बहुत ही गलत मैसेज है. देश के युवा को ड्रग नेक्सस अंधकार में ढकेल रही है. ये हमें बंद करना चाहिए. दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव, दिस इज नॉट द राइट वे टू एंजॉय. क्योंकि आपने बताया कि आप एक चेन स्मोकर थी जी, एंड जब आपने उस पार्टी को देखा, आप उस वॉशरूम में गई, तो इस तरह के जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है जी. तो वहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया? क्योंकि अमूमन होता है लोग उस दुनिया में चले जाते हैं जब आपके आस पास सारे लोग कोकीन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो उस एरिया के सारे लोग से चलो हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं. इस तरह के जोन से बाहर निकलना कितना टफ था आपके लिए? मैं घबरा गई थी वो सब देखकर. मुझे लगा कि अरे ये सब तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, अब तो लाइव देखने को मिल रहा है. एंड केमिकल सब्सटेंसेस से मुझे हमेशा से डर लगा रहता है. मैं यही सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, अगर एडिक्शन हो जाए तो क्या, क्या उस एडिक्शन से मैं निकल पाऊँगी. तो ये सोचकर मैंने कभी ट्राई नहीं किया. एंड अपने फ्रेंड्स को ट्राई करते हुए देखा और देखा कि कैसे वो सफ़र करते हैं, लेने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब करीब से देखा. और फिर मैंने अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि यदि आपके दोस्त आपको अंधकार की तरफ खींच रहे हैं तो वो कैसे दोस्त हैं? तो इसलिए इंडस्ट्री में जिन जिन को मैंने अपना दोस्त माना था, वो पता चला कि वो सुबह शाम चरस गांजा ये सब पीते रहते हैं, जब जब पार्टीज़ के लिए बुलाते हैं एक्सटेसी, एमडीएमए, एलएसडी ये सब सर्व करते हैं. तो जब मैंने जाना कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, दिस इज़ नॉट मी, देन आई डिसाइडेड टू कीप अ हेल्दी डिस्टेंस, मेंटेन अ हेल्दी डिस्टेंस फ्रॉम देम. बिकॉज आई सिंसियरली फील कि मैं पैदा हुई हूँ चर्सी या नशेड़ी गैंग का मेंबर बनने के लिए नहीं, मैं पैदा हुई हूँ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनने के लिए. और दिस इज़ नॉट द वे टू मेक प्रोग्रेस. ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी ख़राब होती है,
नर्वस सिस्टम के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, जब चाहे उसको स्टिमुलेट करते हैं अपर्स लेकर, जब चाहे उसे सप्रेस करते हैं डाउनर्स या डिप्रेशंस लेकर. दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव. इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है. ये लोग सोच रहे हैं कि बस दिस चलो किक चढ़ाते हैं, जोश चढ़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और लाइफ में रखा क्या है, यही तो है लाइफ. नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है. बगैर किक चढ़ाए आप खुद को स्टिमुलेट कर सकते हैं, बगैर किक चढ़ाए, बगैर इन पदार्थों का सेवन किए, बगैर एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को कंज्यूम किए आप खुद को स्टिमुलेट कर सकते हैं. वो भी एक आर्ट है, आप योगा करके देखिए. लेकिन नहीं, आपको लगता है नहीं योगा में क्या रखा है, योगा इज़ सो बोरिंग. आपको इसलिए लगता है बोरिंग बिकॉज यू हैव नॉट एवर प्रैक्टिस्ड योगा. आपको भी प्रैक्टिस करके देखिए. तो इन लोगों के सामने जब मैं से बात करती हूँ, इनको लगता है वाह आंटी आ गई देखो ज्ञान देने. तो इट्स बेस्ट दैट वी मेंटेन अ हेल्दी डिस्टेंस फ्रॉम सच नशेड़ी गैंग मेंबर्स. एंड अगर आपको पता है कि आपको लोग मान सम्मान देते हैं, आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, कम से कम थोड़ी सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आप उन्हें मिसलीड ना करें. आप बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी डिप्रेशन इज़ एन इलनेस. नहीं, आप ये बोलो रिपीट आफ्टर मी नार्को टेररिज्म.